हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख चुके हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बना चुके हैं। तो कुलम्स ने क्या बताया था कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या देखा कि दोनों चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यानी इसको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस भी बोला जाता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर एक चार्जेस पे मोर देन वन चार्जेस के कारण अगर फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। सपोज करो किसी एक चार्ज पे एक से ज्यादा चार्ज फोर्स लगा रहा है, यानी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है एक सिंगल चार्जेस पे, तो उस पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो जो नेट फोर्स होता है उसका हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये जानने के लिए हमको ये जानना है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जब हम दो से अधिक दो या दो से अधिक फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उसका हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ना कि नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन जो होता है वो हम एडिशन नहीं करेंगे। वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता है कि द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, किसी एक पॉइंट चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन इट। ओके, तो उस चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है सबका वेक्टर सम करो तो उसका नेट फोर्स निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम तीन चार्जेस लिए हैं, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3 और यहाँ पे चार्ज है Q1। ये ओरिजिन है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है चार्ज वन का वो वेक्टर आर वन है और जो चार्ज थ्री है उसका पोजीशन वेक्टर आर थ्री है और जो चार्ज टू है उसका पोजीशन वेक्टर आर टू है। हमको क्यू वन चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है क्यू टू और क्यू थ्री के कारण, उसके कारण जो दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों के कारण जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है उसको फाइंड करेंगे, यानी Q1 चार्ज पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करेंगे और Q1 चार्ज पे Q3 कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करेंगे और फिर दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो सबसे पहले Q1 और Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो F12 है, तो अगर हम इस फोर्स को फाइंड करना चाहें तो Q1 और Q2 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R12 है। हमको इसका डिस्टेंस भी यूज करना पड़ता है, तो ये R12 कैसे फाइंड होगा, R1 में R2 को माइनस करेंगे तो R12 मिल जाएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में Q2 से Q1 के तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को R12 कैप जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से Q1 पे जो Q3 के कारण फोर्स लगेगा वो फोर्स है F13 और Q1 से Q3 का जो डिस्टेंस है वो R13 है। ओके, और Q3 से Q1 के डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो यूनिट वेक्टर R13 कैप है। ओके, और इस Q3 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो F13 है। तो चलिए अब देखते हैं, फाइंड करते हैं F12 वेक्टर फॉर्म में, यानी फोर्स जो है Q1 पे Q2 के कारण जो लग रहा है उस फोर्स को, जो फोर्स F12 है उसको फाइंड करेंगे। तो क्या था कूलम्स लॉ में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पे K के प्लेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K का वैल्यू है, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है R12, तो R12 का
होल स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिए हैं फोर्स को, तो इसका डायरेक्शन भी दिखाना होगा। तो इधर का डायरेक्शन Q2 से Q1 का जो डायरेक्शन है वो R12 कैप है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हम लिए हैं वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसीलिए Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है Q1 पे वो इधर होगा और Q3 के कारण जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन के कारण इस डायरेक्शन में होगा। तो ये Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो निकल गया। अब Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा जिसको हम F13 से दिखाए हैं, तो F13 इक्वल टू K जिसके प्लेस में 1/4 pi epsilon naught लिखेंगे, Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q3 और डिस्टेंस क्या है R13 है, तो R13 का होल स्क्वायर, और इधर के डायरेक्शन को हम लोग R13 कैप से दिखाएं, तो R13 कैप। ओके, तो अगर हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से देखें तो Q1 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ये दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे Q1 पे उसको मान लिए हम लोग F1, क्या मान लिए F1, और उस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F12 प्लस F13, यानी चार्ज 2 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स प्लस चार्ज 3 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो अब F12 किसके इक्वल है, F12 इक्वल है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर इनटू R12 कैप। ये है मेरा F12 का वैल्यू, और F13 का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 का होल स्क्वायर R13 का कैप, ये मेरा F13 का वैल्यू हो गया। ओके, अगर सपोज करो कि Q1 चार्ज पे ये दो चार्ज नहीं इसी तरीके का n चार्ज है, यानी दो से ज्यादा चार्ज है, 5 चार्ज 7 चार्ज कुछ भी हो सकता है, n चार्ज है, तब कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फॉर n चार्ज के लिए जो मेरा फोर्स लगेगा F1, जो नेट चार्ज होगा Q1 पे, वो F12 प्लस F13 प्लस .. प्लस F1N तक जाएगा, जितना चार्ज होगा उतना ऐड होगा। ओके, तो F1 के कारण जो F1 है, तो F12 कितना था 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square into R12 का कैप, और F13 कितना था 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस इसी तरीके से n जो चार्ज होगा उसका क्या हो जाएगा फोर्स 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn, और उसका जो डिस्टेंस होगा R1n का होल स्क्वायर, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा R1 कैप। ओके, तो अगर हम ये n चार्जेस का टोटल फोर्स निकालें कि n चार्जेस के कारण Q1 पे कितना नेट फोर्स लगेगा, तो ये इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन देखोगे तो Q1 सब में कॉमन है, और 1/4 pi epsilon naught सब में कॉमन है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1/4 pi epsilon naught कॉमन निकाल लो। तो Q1/4 pi epsilon naught अगर कॉमन निकालते हैं तो मिल जाता है हमको Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसी तरीके से इसमें Q1 और 4 pi epsilon naught को कॉमन निकालते हैं तो बचता क्या है Q3 R13 का होल स्क्वायर और R13 का कैप, प्लस इसी तरीके से Q1 4 pi epsilon naught अगर इससे कॉमन निकालते हैं तो Qn by R1n स्क्वायर इंटू R1 कैप मिल जाता है। ओके, तो ये मेरा कॉमन निकालने के बाद ये इक्वेशन बचता है। ओके, अब हम इसको एक समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो F1 इक्वल टू Q1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे चार्ज 2 से स्टार्ट होकर 2, 3, n तक गया है, तो अब समेशन का ये साइन देंगे और ये n तक हम लोग ऐड करेंगे, जहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा चार्ज, चार्ज स्टार्ट होगा i इक्वल टू 2 से, कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 2, 3, 4, 5 जाते जाएगा, तो यहाँ पे Qi by R1i square into R1i cap, यहाँ पे i दिखाया है, जहाँ पे n तक ये जाएगा, i का वैल्यू चेंज होकर के कहाँ तक जाएगा n तक। आपके पास अगर 3 चार्जेस हैं तो 2, 3 ऐसे जाएगा, अगर n चार्ज 7 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा, इसी तरीके से सम में आगे चलता जाएगा, शॉर्ट में इसको दिखाया गया है। तो समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ओवरऑल अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये आपको लिखने में काम आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में इसका कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ इसको समझना है, और न्यूमेरिकल तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना था कि किसी एक चार्जेस पे अगर वन और मोर देन वन चार्जेस, टू और मोर देन टू चार्जेस के कारण अगर कोई फोर्स लग रहा है
तब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है और जो प्रोसेस है उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, और उसका फाइनल इक्वेशन ये आता है। ये जो थ्योरी है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड, कूलम्स लॉ से और मल्टीपल चार्जेस के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा और उसके न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझिएगा। बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक्स उसमें बताया गया है जो आपके कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स को बनाने में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।